मर्दां दे चा किसे युद्ध विच लैंदे ने भाई हिम्मत सिंह जी लड़दे लड़दे आखरी दम तक शहीदी पा गए। जद भाई से भाई हिम्मत सिंह जी शहीद होए ते छाल मार के उठिया साहिबजादा अजीत सिंह, महाराज मैनू भी आग्या दियो मैं दो दो हथ करके जीवन सफला कर सका। जदों वेख्या ना अजीत सिंह नू महाराज बड़े खुश होए, कहिंदे अजीत सिंह आ जे तैनू मैं आवाज मार के सददा ते लोकां ने इहदा होर अर्थ करना सी, ते पुत्रा मैनू बड़ी खुशी है कि तू अपने आप नू आप पेश कीता है। जदों कौम नू लोड पवेगी तेरे वांग अपने आप नू गबरू पेश करिया करनगे। बेटा मैं पौने 9 साल दा सां जदों मेरे पिता जी दिल्ली जाके शहीद हो गए। लोग मैनू कहिंदे सी गोबिंद राय धर्मी पुत्र, मैं सोचदा सां अज मेरा पिता शहीद होया है, लोग मैनू धर्मी पुत्र कहिंदे ने। मैं वड्डा होवांगा, मेरा विआह होवेगा, मेरे घर पुत्र होणगे, जदों मैं पुत्रां नू शहीद करावांगा लोग मैनू धर्मी पिता कहणगे। गुरु तेग बहादुर साहिब ने मैनू धर्मी पुत्र बनाया सी, अजीत सिंह तू अज मैनू धर्मी पिता बना दे। अजीत सिंह जी उम्र उस दिन 17 साल 10 महीने ते 15 दिन दी सी। अजीत सिंह दा जन्म माता सुंदरी जी दी कुखों 23 अगस्त 1743 बिक्रमी नूं होया है। महाराज दे 4 साहिबजादे सी। पहलो महाराज दा विआह माता जीतो जी नाल होया है। दूजी शादी हजूर दी माता सुंदरी जी दे नाल होई है, पर पहलो माता सुंदरी दी कुखों साहिबजादा अजीत सिंह ने जन्म लिया है। उस तो बाद 3 साहिबजादे माता जीतो जी दी कुखों प्रगट होए ने। अजे पूरा 18 साल दा नहीं होया पर पूरा जवान जापदा है, मुछां फुट रहियां ने, दाढ़ी उतर रही है, महाराज वर्गा चेहरा, महाराज वर्गी कलगी, महाराज वर्गा बाणा, महाराज वर्गा कद काठ। हजूर ने कहा बेटा जाओ अरशां ते बैठे तुहाडे दादा जी तुहाडी बहादुरी वेखना चाहुंदे ने। तुरन लगे अजीत सिंह नूं आशीर्वाद दे के हजूर ने जिहड़ी गल आखी है ओह शायर ने कुछ लाइनां इउं कहियां। Oh,
सोहनी कहते मालवा थाड़ दा राजा तकरीबन इनू कस्बी लोग पूर्वांग दा राजा कहते हैं। वैसे ढाडी राजे दा राजा दा मुहताज नहीं है, जो कुछ दास ने सीखा है वो तुहाडे भाई साहब बड़े कलाकार ने, भाई शमशेर सिंह जी दे शिगिरद ने, मैं तेरा दे भावां दी खाक हाँ। जो कुछ मैं सीखा है वो तुहाडे पेश कर रहे हैं। राजा दा राजा ना सोहनी और मालवा थाड़ दा राजा है। गल मिल है अंक सहेलड़िया है, मिलके करे कहानियां समर्थ कंत किया। परम सम्मान योग गुरु सवारी सत्संग जी, हरमन प्यारे सिखी गुलदस्ता दर्शकों ते श्रोता जनों, निम्रता सहित फतेह अर्ज है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जगत गुरु सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का सिद्धांत अते शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे फलसफे नूं समझण वास्ते गुरबाणी च लिखिया है कि कथा
कीर्तन सुखदाई, ये अटल सच्चाई है। गुरबाणी नू रागां च उचार के हुक्म कीता कि गुण गोबिंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना अलाप, सुकुल मिला के सिख इतिहास अते गुर इतिहास की गहराई नू समझन वास्ते पुरातन अते अयोके समय दे महान कीर्तनियां दा कीर्तन, गुरबाणी दी कथा विचार, धार्मिक गीत, श्रोमणी जथियां दीआं जोशीलियां ढाडी वारां ते कवि दरबार, उच्च कोटि दे कविशरां दे खोज भरपूर प्रोग्राम सरवण करन लई सिक्खी गुलदस्ता चैनल नू सबसक्राइब अते लाइक करो जी, ते किरपा करके घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दिओ जी, तां कि नवे तो नवे प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँचते रहन। तुहाडे सोहणे सोहणे सुझा अते आशीर्वाद की सख्त लोड़ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।